Now we are discussing health and safety laws and regulation. Health and safety laws and regulations with reference to Occupational Safety Health Association and liability. Here, dear students, we have that in 1970, Congress passed the Occupational Safety and Health Act in the United States of America. The purpose was to assure, so far as possible, every working man and woman in nation safe and healthful working condition, and to preserve अवर ह्यूमन रिसोर्स ये इन्वर्टेड काम में थी इसलिए मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग डी स्टूडेंट्स आपसे शेयर की है इसका ये मतलब है कि कांग्रेस ने 1970 में एक एक्ट पास किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिसका बुनियादी मकसद क्या था आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट स्टैंडर्ड्स और लैबिलिटी इसमें अगर वर्ड्स पर गौर करें आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ में कौन से स्टैंडर्स रिक्वाड्स हैं वो हमें मालूम है फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड रो किन्वायरमेंट सेफ्टी को डील करते हैं फोर्टीन थाउजेंड सीधी है जो कि फोर्टीन थाउजेंड से लेके फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टी तक चलती है और उसमें हम उनमें लेबिलिटीज भी इनकी देखते हैं एवरी ईयर एंड एवरेज ऑफ फोर्टीन थाउजेंड डेथ बाई वर्क प्लेस एक्सीडेंट ये फिगर लेटेस्ट नहीं है ये थोड़ा सा पहले वाला है अगर लेटेस्ट फिगर आप सर्च करें तो माइट पॉसिबल इट मे बी इंक्रीज एवरी ईयर टू पॉइंट फाइव मिलियन वर्कर्स वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली थ्री लैक न्यू केसेस ऑफ ऑकोपेशनल डिजीज वर रिपोर्टेड ये वो रेशनल है जिसकी वजह से हम लोगों को आकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स उसका एक्ट और उसकी लेबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करनी होती है ऑकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेबलिश बाई दार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग दुपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट एनकरेज एम्प्लायर्स एंड एम्प्लॉज वाई वी आर गोइंग टू एनकरेज सो टू रिड्यूस वर्क प्लेस हैजेट्स के काम के ऊपर जो हैजेड्स हैं उनको कम से कम किया जा सके रुकावटों को कम से कम किया जा सके ताकि इम्प्लाईज और एम्प्लॉयर फ्री ऑफ माइंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके इंप्लीमेंट न्यू सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स अस्टैब्लिश द राइट ऑफ एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ हम दोनों की बात करेंगे इंप्लाईज़ के राइट्स और इम्प्लायर के राइट जब आप इम्प्लाई को राइट देते हैं तो वो दूसरी तरफ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट्स को फुलफ़िल करें अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लायर और इम्प्लाई के बीच में कोई गैप है तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम बाई द आर्गनाइजेशन बाई द इम्प्लायर बाई द इम्प्लाई एंडकर्ज रिसर्च दैट विलीड्स टू इनोवेट वेज ऑफ डीलिंग विद प्लेस सेफ्टी एंड प्रॉब्लम ये जो पॉइंट ये स्टूडेंट्स है इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर प्रायमरी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए ताकि इंप्लाइज के इश्यूज़ का हमें पता चले तो उनको एड्रेस करने के लिए उनकी सुजेशन को जो रिसर्चर है वो इम्प्लीमेंट कर सके अस्टैब्लिश द रफ़ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड मोनिटर जॉब रिलेटेड इल्नेस कि जॉब की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ एम्प्लॉज को लग रही हैं ताकि उनको हम इंश्योर कर सके तो उनको मैनेज कर सके। अस्टैब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेफ्टी एंड विद इन दी आर्गेनाइजेशन अस्टैब्लिश मैंडटरी वर्क प्लेस सेफ्टी इस पॉइंट का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंप्लाई का काम इस नेचर का है कि उसको हेल्थ रिलेटेड या अपनी सेफ्टी रिलेटेड को वीर जैकेट पहननी है तो वो इंश्योर करे कि वो अगर उसको अपने सर के ऊपर को कैप पहननी है तो इन्श्योर करे उसको पहने अगर उसको कोई आई ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू वी यर आई ग्लासेस तो ये जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जहाँ कहीं पे भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी हेल्थ की तो उस चीज़ को इन्श्योर किया जाए प्रोवाइड फॉर द डिवेलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ़ स्टेट लेवल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम विद इन दर्गनाइेशन मोनीटर एनालाइज एंड अवेलुएट स्टेट लेवल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम स्टेट लेवल का मतलब है कि सेफ्टी एंड हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है सिर्फ डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं है विद इन द प्रोविंस नहीं है विद इन द स्टेट नहीं है बल्कि इट इज एप्लीकेबल ऑन द होल कंट्री जब पूरे मुल्क के अंदर सेफ एनवायरनमेंट होगा ऑटोमेटिकली इंप्लाय की ट्रेनिंग इस तरह से होगी कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन तरीके से काम अंजाम देगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ अप्लाइज टू मोस्ट एम्प्लॉयर्स इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव